सत श्री अकाल, सलाम एंड नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त दिलप्रीत सिंह। सो वेलकम टू अनदर डे इन माय लाइफ। एंड आप सबको नवे साल की बहुत बहुत मुबारक हो यार। सो भगवान करे 2021 आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां लेके आए एंड 2020 के सारे गम छू मंतर हो जाएं। सो नवे साल में मैं आपको अपने मम्मा से मिलवाना चाहता था। सो मेरी मम्मा है, हेलो, हैप्पी न्यू ईयर तो बोल देंगे मम्मा जी। हैप्पी न्यू ईयर। सो आप सबको मेरी मम्मा की तरफ से भी हैप्पी न्यू ईयर। मम्मा से क्यों मिलवाना चाहता था, इसका भी एक रीज़न है एक्चुअली। सो एज आई टोल्ड यू कि मेरी मम्मा ने दो ब्लॉग पहले ही बोला है बात कि मेरी मम्मा गुड डीड्स में बहुत बिलीव करती हैं। हम जो भी मैं अर्न करता हूँ या मेरे भैया अर्न करते हैं तो हम हमेशा उसका एक पार्ट जो है वो हमेशा गरीबों में या कि सोसाइटी में कोशिश करते हैं वापस जाए वो चीज़। सो वो सब देखती है मेरी मम्मा। एंड मैं कहा चलो आज साल का लास्ट दिन है, वैसे 31 दिसंबर है आज, तो मैं कहा मैं कुछ अलग करता हूँ नॉर्मल फोटो ब्लॉगिंग से। मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मुझसे इंस्पायर हो के, हमसे सीख के, या कोई चीज़ ऐसी अच्छी है जो सोसाइटी में पहुँच सके, आप भी कुछ सीखें, आप भी कुछ करें एंड आप भी कामयाब हों, इसी सोच के साथ मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। सो हम जा रहे हैं, मेरी मम्मा एक्चुअली हर संडे जाते हैं, हर संडे को मम्मा मेरी गुरुद्वारे जाती हैं या वैसे जाती हैं तो वहाँ पर सॉक्स डोनेट करती हैं और कुछ जैसे कभी कोई कुछ ले आते हैं कभी कुछ ले आते हैं, तो कुछ जैसे वहाँ पर जो लोग मांगते हैं सेवा भी करते हैं। हाँ, सेवा तो करते हैं जो, तो मम्मी हमारी सेवा करती है, मेरी मैं सेवा भी करती हूँ। मैं कहा हाँ जी हाँ जी, सेवा तो करती ही हैं, लेकिन साथ साथ जैसे वहाँ पर जो लोग बाहर बैठे होते हैं वो कुछ कुछ अलग अलग डिमांड आते हैं मम्मा को, उनको जो चाहिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सो कोशिश करते हैं मम्मा पूरी करने की हमारे अपनी तरफ से। सो एक अच्छी सोच के साथ, अच्छी नीयत के साथ हम काम करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम फिर से जा रहे हैं, तो वैसे मम्मी आज जाती नहीं है पर मैं कहा चलो आज एक दिन चल पड़ो, मेरे लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो दिन का आगे पीछे। सो फटाफट चलते हैं अपनी गाड़ी में, हमारी गाड़ी खड़ी पीछे, चलते हैं गाड़ी में गुरुद्वारे के बाहर चलते हैं एंड वहाँ जाके थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नवे साल। आखिरी 2020 को हम करेंगे बाय बाय एंड 2021 को हम करेंगे हाय हाय। तो चलिए, सो फाइनली पहुँच चुके हैं हम गुरुद्वारा नानक देव के बाहर एंड मैं कहा एक छोटा सा इंटरव्यू लूँ अपनी मम्मा का। तो आज मैं इनको बल्कि मम्मा की तरह इंटरव्यू नहीं ले रहा, इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं एज अ सोशल सर्वेंट कह सकते हैं, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत टाइम से ये सब काम करती है। जब हमारे पास बहुत पैसे नहीं थे, मैं डैड पास जब भी, तब से लेकर अभी तक मेरी मम्मा ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है। तो मैं कहा एक छोटा एक्सपीरियंस वो भी ज़रूर आपके साथ शेयर करें। तो मम्मा जी ऑल योर्स। नमस्ते। मैंने इसीलिए बोला कि शुरू से मैं इस रास्ते पर चली हूँ कि थोड़ा मिले और बच्चों के साथ सबके साथ शेयर करके चले, टाइम भी सबके साथ शेयर करो। पैसा तो हर इंसान दे लेता है लेकिन टाइम नहीं दे सकता है, इसलिए मैं इनके साथ फ्रेंडली बिहेव करती हूँ, जिस चीज़ की कमी हो वो चीज़ ला कर देती हूँ। मैं बात कर रही हूँ, इंटरप्ट करो, मेरी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर जो लोग होते हैं गुरुद्वारे के बाहर, जैसे आते हैं यहाँ रहते हैं विदाउट, बल्कि होमलेस पीपल जो होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा मैं पिंगलवाड़ा जाती हूँ, जब दरबार साहब जाते हैं पिंगलवाड़ा जाके मैं उनके साथ टाइम स्पेंड प्रॉपर है वन डे करती हूँ, जो कि सारे सामान तो बहुत लोग दे सकते हैं, पैसा बहुत लोग दे सकते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं दे सकते, एक एक के पास के बैठ के। मैं चाहती कि उनके फेस पे स्माइलिंग आए, कैसे वो स्माइल कर सकते हैं, कैसे उनको खुशी मिल सकती है। बस मेरा छोटा सा एक ही लक्ष्य है कि किसी के चेहरे पर एक बार खुशी ला दूँ, और देने वाला तो भगवान है, कोई किसी को दे नहीं सकता, एक खुशी दे सकता है। तो थैंक्स लॉट मेरी मम्मा का एंड आई बिलीव आपने शिक्षा जरूर ली होगी इससे कि हमारे पैसे ज़्यादा हो नहीं हो। मैं भी यार जब छोटी एज में था तो हमारे पास बहुत पैसे नहीं थे, मेहनत करी सब कमाया, लेकिन वो सब इसलिए कमा पाए क्योंकि हमारी मम्मा ने मेहनत करी, उन्होंने हमेशा जितना कमाया उतना सोसाइटी में दिया भी, तो उसी लिए हमारी कमाई में बरकत पड़ी। तो मैं चाहता हूँ आप भी ये करो, कम कमाओ लेकिन ज़रूर सोसाइटी में दो कुछ, किसी की हेल्प करो, हमेशा अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश करो। तो चलिए एक बार अब हम जो सामान लाए हैं वो मम्मा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड उसके बाद ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। I've got a feeling that I cannot explain. You want something different, but I don't want to change. Slowly but surely you began to fade. Things were finally changing and I was not afraid. Now that you're gone, it's like I don't have to pretend. Yeah, it's time to move on. We've reached the bittersweet end.
बोलो बेटा। अच्छा पहले दिया था आपको ये जनाब, ठीक है अच्छा था, अब ये वाला अच्छा जो ले दिया आज, ठीक है। मम्मा मास्क ऊपर कर लो, मास्क ऊपर रखो। ये दादा तो पहले भी देखा मुझे। पापा को ला के तो देते हैं। चलो ठीक है जी। यार क्या हो गया यार, क्या कह रहे हो अम्मा? अच्छा पहले पहले भी कहा था इन्होंने आपको? अच्छा मिली नहीं इस बारी, चलो अगली बार पक्का मिल जाएगी आपको, ठीक है। कैसे जब तक हम उधर आएंगे इधर बढ़ जाएंगे तो कोई भी नहीं रहेगा। और चलो अगली बार आपको ढूंढ के इनको अलग से दे देना। चलो 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 चाय पी लो, सारे चाय पी लो। हमसे क्या कह गई है बीबी? मैंने बोल दिया बेटा वहाँ पर चाय बोलो, मिल जाएगी। ठीक है बेटा देख, एक ऐसी पे एक रात दी थी मुझे गाड़ी में, एक खो गई। ओहो अच्छा, डबल पेन रखी है मैंने। चलो अगली बार आएंगे आपको दो जरूर दे देंगे, ठीक है जी। उतार के दे दो, हम घर में जाके पहन लेंगे। ये लो। नहीं 5 मिनट्स लेटर। सो मैं फिर आपको एक बात बोलूंगा, कुछ भी स्क्रीन के लिए नहीं है। सो ये मेरी मम्मा का प्यार है इन सब लोगों से। सो उन्होंने आंटी को चाहिए थे जराबे, तो उन्होंने अपने पैरों से उतार के दे दी उनको। सीरियसली कोई स्टंट नहीं है यार, बस मैं रिकॉर्ड भी डालूंगा आई एम नॉट श्योर, बट एक बार मेरा मन करा तो मैंने रिकॉर्ड जरूर कर लिया। तो सारे एक बार बोल दो, 90 साल की मुबारक को बोल दो सारे। आप सबको भी और आप सबको भी, आप सबको 90 साल की मुबारक हो और 2021 आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। सो फिलहाल मैंने सोचा कि जैसे कोई प्लान नहीं था सच, बट हमने सोचा कि आए हैं तो किसी लोगों ने ठंड है तो चाय के लिए बोला था। हमने वहाँ पर सामने वो जो ढाबा सा बना हुआ है, मैं थोड़ा जूम कर दिखा दूँ, तो वो ढाबा बना हुआ है वहाँ पर हमने चाय का ऑर्डर दे दिया है सबके लिए, तो सब वो लोग वहाँ वेट कर रहे हैं चाय की। तो मैंने अभी रेस्टोरेंट जाना है तो मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ। सो हम निकलते हैं वापस घर के लिए, मम्मा को घर पे ड्रॉप करूँगा एंड आज का ब्लॉग करता हूँ इसी रोड पर खत्म। सो राइड हार्ड राइड सेफ, दुआओं में याद रखिएगा, अच्छे काम करते रहिएगा। आई होप आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा इस ब्लॉग से। सो दिस इज एन अनयूजुअल ब्लॉग फॉर मी, मैं कभी ऐसा ब्लॉग बनाता नहीं हूँ, बट स्टिल मुझे लगा बनाना चाहिए, लास्ट दिन है इस साल का, कुछ अच्छा करना चाहिए। सो लास्ट दिन नहीं, हर दिन अच्छा करना, जिस दिन कोई देखे उसकी मदद ज़रूर करना। एंड प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन अच्छा काम ज़रूर कर देना। रब रखा, जीवन दे रहो एंड हंसते रहो। बाय बाय।